सभी साथियों को नमो बताया जाए भी। हमारे साथ एडवोकेट चंचल जी हैं। और सर, सबसे पहले आपको संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना। आपको भी सभी को, सभी देशवासियों को शुभकामना। आप वकील हैं, काबिल वकील हैं, और ये बताइए कि संविधान दिवस है कल जी, आप क्या महसूस कर रहे हैं एजुकेशन में, डॉक्टरी लाइन में, समाज सेवा में, राजनीति में, क्या फर्क महसूस कर रहे हैं संविधान से पहले और संविधान के बाद? संविधान के साथ साथ में एक बात बताना चाहूँगा कि इस देश में जब तक संविधान नहीं था तब तक इस देश में राजाशाही व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था लागू थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर मात्र कुछ लोगों को, चंद लोगों को पढ़ने और लिखने का अधिकार था। संविधान की वजह से सर्व समाज को, पूरे भारत में जितने भी समाज हैं सबको पढ़ने का लिखने का मौका मिला। और उसी संविधान की वजह से सभी क्षेत्रों में समानता का अधिकार मिला, लेकर पढ़ाई से लेकर के नौकरियों तक, राजनीति में लेकर के प्रधानी के चुनाव से लेकर पार्लियामेंट के चुनाव तक को हमें भागीदारी मिली है। संविधान की ये देन है। अभी क्या होता है वकील साहब कि समाज में लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक नारा देश के अंदर चल रहा है, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। आप वकील हैं, संविधान जो हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, जो लोगों से सुना भी है, कि संविधान केवल चार व्यक्तियों के मतलब की चीज है। पहला नंबर विधानसभा में विधायक और MLC, सांसद और राज्यसभा सांसद। जब ये कोई कानून बनाते हैं, जो विधानसभा में बनता है, जो राज्य लोकसभा में बनता है, जब उस पर राष्ट्रपति और गवर्नर जी की मोहर लगती है तो वो जो है राष्ट्र को समर्पित हो जाता है। क्या इससे अलग भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो संविधान बचा सकता हो? मेरा मानना यह है कि संविधान को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। जो संविधान के बलबूते पर आज की डेट में जो सत्ताधारी पार्टी है BJP जी जी, जो विराजमान है, वो इसको ख़त्म नहीं कर सकती, कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। उसका एक कारण है कि कौन व्यक्ति CM PM बनना नहीं चाहेगा जी जी, और CM PM तभी बन पाएगा जब संविधान सुरक्षित रहेगा जी। तो इसलिए ये अफवाह है और इन अफवाहों से बचना चाहिए। संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि उसमें अमेंडमेंट लाके अपने हिसाब से उसको उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसको सरल कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रमल से कोई भी छेड़छाड़ करने की किसी में हिम्मत नहीं है जी। जी जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ लोगों को, कमज़ोर लोगों को अधिकार देते करें, जिससे हमारी देश के अंदर आज पूछ है, अगर वो अधिकार हमारा नहीं हो तो हमें हमारे ही समाज के पढ़े लिखे लोग नहीं पूछे। शिक्षा हमारे लिए, जो हम महसूस करते हैं, शिक्षा हमारे लिए रोजगार हो सकती है, समझदारी नहीं हो सकती। मेरा मानना इसमें इतना है, देखिए एजुकेशन बाबा साहब ने एक जो है क्या कहते हैं आज़ादी के समय से पहले ही हमारे देश में कलेक्टर नियुक्त कर दिए थे और उनको एक संदेश दिया था कि भाई आप इस सरकारी गाड़ी से अपनी बस्तियों में जाना, जिससे एक मैसेज जाए समाज में कि भाई कि आज ये सरकारी लाल बत्ती की गाड़ी में आ रहे हैं तो कल को ये हमारे नीचे भी हो सकती है। जो उन झुग्गी झोंपड़ियों से निकल करके DM, DM और SDM जो भी कलेक्टर वलेक्टर जो भी बने, वो बाबा साहब की वजह से बने। और आज जो मैं भी हूँ, अगर बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब द्वारा संविधान नहीं होता तो मैं किसी के यहाँ गुलामी कर रहा होता। तो और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो समाज के लिए कुछ ना कुछ मुझे भी जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करना चाहिए। शिक्षा के लिए क्या है कि देश के अंदर बहुत सारे सामाजिक व्यक्ति हैं, देश में काम कर रहे हैं युवा, लेकिन जो परिवर्तन हमारा होना चाहिए समाज का, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो संदेश है, बाबा साहब का अंतिम संदेश जो था वो ये था कि भगवान बुद्ध की शरण में आपको जाना है। जो धर्म एक को ऊँच और दूसरे को नीच समझे उसको धर्म को धर्म नहीं माना जाता। इस पर हमारे जो लोग हैं वो कम प्रगति कर पा रहे हैं। उसका एक कारण ये है, जब से देश आज़ाद हुआ है सरकार इन मनुवादियों की रही है जी जी, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो माननीय साहब ने कहा था जो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कांग्रेस है सांपना और BJP है
नागनाथ एक सांप नाग। हाँ, तो मैं उनकी बात सबको सहमत हूँ। और इन्होंने षड्यंत्र के तहत बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज में ऐसा नहीं है कि जो है आगे बढ़ गए हैं तो वो बहुजन समाज के नहीं रह गए, क्योंकि जो क्लासवर अधिकारी जो नियुक्त हुई है IAS PCS, उनके घर में ज़्यादातर 99% की गारंटी के साथ मैं लिख के देता हूँ कि उनके घरों में ठकराइन पंडितायन बनेन हैं जी, जिससे वो समाज को नहीं देख रहे हैं और समाज के लिए एक बहुत बड़ा धोखा बना किया है। आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बाबा साहब ने कहा था कि जाति का बीज नाश करो, जो राष्ट्रीय पुस्तक भी है हमारी देश की जी, जी। गुलामगिरी, जाति का बीज नाश, लेकिन उसका हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए उसका एक ये कारण है कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान आज़ादी से उनको पढ़ने का लिखने का मौका मिला और उनको नौकरी करने का मौका मिला। उसके बाद में जब वो कलेक्टर DM जब बन जाता है तो वो सोचता है कि देवी मैया की देन है और वो जाके मंदिर में माता टेकता है। उस समय पर ये भूल जाता है कि मैं कहाँ से कैसे पढ़ के लिख करके आया हूँ। पिछले PCS में जो बाबा साहब के रास्ते पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो इंस्टीट्यूट बनवाए उसमें से 267 PCS में सिलेक्शन हुआ, जो जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा पाई थी। तो उनको नहीं भूलना चाहिए कि हम किसकी वजह से पढ़ रहे हैं और ये जो पढ़ाई है ये किसने दी है, उस बात को उनको समझना चाहिए। और पद को पाने के बाद में बाबा साहब को कहने का मतलब ये है जी कि जो जाति का बीज नाश है वो हमारे लोग हमारे समाज की जो लड़कियों से शादी करते हैं उसे आरक्षण में नुकसान पहुंचता है जब वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, यानी कि जहां हमारी रिजर्व सीट आ गई वहां वो लोग हमारे ही लोगों को खड़ा कर देते हैं और दूसरे का नुकसान कर देते हैं, यानी कि जहां रिजर्व सीट आ गई हमारे लोगों को खड़ा कर देंगे वो, उन्हें अंतर जाति शादी कर रखी है। उनका सीधा फंडा है कि जो कामयाब चाहे इनकी लड़की हो या इनका लड़का हो जी, उनको अपने कब्जे में कर लो हाँ। तो सत्ता हमारे हाथ में होगी, उनका सीधा फंडा ही है। चलो खैर, क्या शुभकामना देना चाहेंगे आज? और मैं तो शुभकामना दूंगा कि आज एक दिन पहले जी जी संविधान के स्थापना दिवस है और आज यहाँ भव्य कार्यक्रम सिद्धार्थ इंटर कॉलेज के अंदर है। तो हमारे बाबू जी श्रीराम हितेशी जी इसके संस्थापक हैं, ये जो हैं इन्होंने नींव रखी थी। तो बहुत बहुत साधुवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। नमो बुद्धाय, राजा जी को देवी और संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।